I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. भाई ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूंगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा, हिंदू के दो डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूं। ज्योग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंडस के पास रहता है, और मैं इस देश में रहता हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इंडियन हूं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मैं इसका तर्जुमा करता हूं तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूं, सारी चीजों पर अमल करता हूं, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूं, क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूं। इसमें कई चीजें सही भी, कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूं। ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात, सारी रजा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली, ज्योग्राफिकली आई एम एन इंडियन। Which you can say geographically, I mean Hindu, but not religiously. Hope that answers the question.